और आगे चल के देखते हैं कुछ खास अगर देखने को मिले तो वो भी देख लें। जुनैद इसके अंदर जाओगे? तो हम लोग जा रहे हैं अब पोर्कुपाइन केव के अंदर। चलो चल के देखते हैं क्या है। जुनैद क्या जुनैद चले? हाँ चलते हैं। चलो आगे बढ़ते जाने नहीं, चलिए आपके लिए मैं चेक किया था। हाँ चलो चल के देखते हैं क्या इसमें खासियत है इसके अंदर। अंदर तो ठीक से झुक के जाना जुनैद, काफी नीचे हो रहा भाई। क्या हो गया भाई? आराम से कोई आ रहा है उधर से? अच्छा अच्छा एंट्री भी है। तो वापस आओ ना। ये ना ये दूसरी आज ये क्या कर रहे हो? बहुत कंजेस्टेड है नदी, इतना कर हमको तो सो के जाना पड़ रहा है ऐसा लग रहा है। एक मिनट हेलमेट को था कॉल करता बढ़िया से। एक मिनट परेशानी तो हो रही है भाई, झुक के जाना पड़ रहा, बाजू वगैरह लग रही है काफी ज्यादा, बैठ के जाना पड़ रहा बहुत ज्यादा। अभी मत खराब हुई, हमको पता था काफी खराब मत हुई। चश्मा किधर? पैर के पास। कौन सा भाई? राइट लेफ्ट पैर। चलो चले अब हम लोग निकलते हैं आगे की ओर। अब आगे भी जाना है। ये बगल में बैट्स कैप है उसमें चलते हैं। हाँ चलो चल के देखते हैं कोई गया है क्या नहीं। हाँ गया। चलो बैट्स कैप। हाँ इसके अंदर भी देखते हैं क्या है। इधर तो थोड़ा, अरे इधर तो और ज्यादा कंजेस्टेड लग रहा है। बहुत सही है, बहुत सही है ना। चलो चलो उससे सही है। एक मिनट पहले हमको निकलने दीजिए तब बात करेंगे। एक मिनट। हाँ अब आए आप आ रहे हैं? आइए मजा पूरा आ रहा है। आप लोग देख सकते हो जब आप लोग वहां से हो आ सकते हो। फिलहाल मेरा वीडियो सिर जो है टकरा रहा है। चलो आगे चलो देखते हैं। मैंने कि हमको तीन चीज पे जाना पड़ता है, एक सर, एक हेलमेट और दूसरा मोबाइल। यस आप आए। क्या हाल लग रहा है जरा देख लिया जाए। काफी परेशानी हो रही है निकलने में फंस के, इसलिए कि सिर का ध्यान रखना होगा नहीं तो कभी भी टकरा सकता है। चलो आगे निकल। बीच बीच में तो वाकई में बहुत मजा आ रहा है। यहाँ और ज्यादा कंजेस्टेड है, बैठ के आना पड़ेगा आपको। हाँ बैठ के जाना होगा, थोड़ा संभल के चला। उससे हेलमेट को भी बचाते हुए, हेलमेट तो पता नहीं क्या हो गया पूरा खरोच रोज आ गया शायद। आगे बढ़ो। एक मिनट। हाँ आप आए। वो कमर में भी लग रहा है काफी परेशान हो रही। चलो हाँ के आगे बढ़ते हैं। ये वाटर बोतल किसी ने फेंक दिया लगता है, पानी पीजिएगा।
पहले बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। हवा लेकिन बहुत अच्छा चल रही है। फ्लाइंग फॉक्स, फ्लाइंग फॉक्स एप्स कैप। आने जाने के रास्ता भी है। फ्लाइंग बर्ड्स, फ्लाइंग फॉक्स एप्स एंड बर्ड्स। ये तो सिंपल है, कोई खास नहीं है इसमें, चैनल बहुत आसान है जाने के लिए, जाने के लिए बहुत आसान है इसमें। आगे है क्या? आगे, हाँ इधर तो थोड़ा कंजेस्टेड है, इधर भी है। हाँ ये है एप्स कैब। चलो चलो चल के देखते हैं एप्स कैब क्या है आगे। चल स्टार्ट रोक दो, कमा मनीच कमी करते रोक दो। आई कैन डू एप्स कैब क्या हुआ है वो आगे देखते हैं क्या। वाकई में कंजेस्टेड तो बहुत ज्यादा है, स्लिप करने की चांसेस है, यहाँ स्लिप करने की चांसेस बहुत ज्यादा है, थोड़ा संभल के चलना होगा। ये भी है क्या भाई? परेशानी तो यहाँ कुछ ज्यादा है, लेकिन थोड़ा संभल के चलना होगा क्योंकि थोड़ा सा स्लिपरी टाइप की भी है इस वजह से। थोड़ा ये लग रहा पानी का भी कुछ अंश आ रहा, और देखते हैं आगे इससे ज्यादा और कुछ। एक और स्लिपरी जगह आगे रख दो ना, इधर रहने दो तुम लोग, आगे रख दो, ज्यादा ऊंचा है इधर। जुनैद कोशिश कर रहा है ऊपर चढ़ने का, बिल्कुल बंद है, चला आ जा तुम लोग, देखते हैं आगे निकलने की कोशिश करते हैं। चलो बच्चा पार्टी आओ, परेशानी तो हो रही है भाई। बस हम लोग यहाँ से एग्जिट होने वाले हैं, अब एग्जिट पॉइंट है ना। चलो एग्जिट होते हैं, देखते हैं आगे और भी कुछ है या फिर इतना ही था। बस इतना ही, आगे कुछ और है यहाँ आगे। तो मजा बहुत वाकई में आया क्योंकि कैब के अंदर घूमने का मौका मिला। आप लोग आइए, आप लोग भी एंजॉय कीजिए इस जगह को, बहुत मजा आएगा और यहाँ का नज़ारा भी बहुत जबरदस्त है। वैसे पूरा नैनीताल ही जबरदस्त है, लगभग जगह टूरिस्ट प्लेस है यहाँ आके। बहुत शॉर्ट शॉर्ट डिस्टेंस में, कुछ ही दूरी में बहुत सारा जगह मिल जाएगा आपको देखने के लिए। ठीक है, चलते हैं आप किसी और जगह।